पवन पुत्र हनुमान ने सीता माता की खोज के लिए आकाश मार्ग का सहारा लिया। जब पवन पुत्र हनुमान उड़कर सीता माता की खोज में लंका की ओर जा रहे थे, तब अनेक राक्षस उनके सम्मुख आए, जिनका एकमात्र मकसद हनुमान जी को लंका जाने से रोकना था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपिका और स्वागत करती हूँ आपका दीपिकास बॉक्स में। जब हनुमान जी लंका की ओर उड़ चले तो सबसे पहले उन्हें समुद्र देव ने उड़ते हुए देखा और सोचा कि उड़ते उड़ते हनुमान जी को थकान हो गई होगी, क्यों ना उनके आराम का कुछ प्रबंध किया जाए। इसके लिए उन्होंने अपने ही अंदर समाये मैनाक पर्वत से ऊपर आने के लिए कहा, जिससे हनुमान जी थोड़ी देर उस पर विश्राम कर सके। मैनाक समुद्र के ऊपर आए, जिस पर हनुमान जी ने मैनाक का परिचय एवं उनका रास्ता रोकने का कारण पूछा। मैनाक बोले, हनुमान मैं आपके पिता वायुदेव का मित्र मैनाक पर्वत हूँ, आप मेरे ऊपर कुछ देर विश्राम करें, इसी हेतु मुझे समुद्र देव ने आपके सम्मुख भेजा है। ये सुनकर हनुमान जी ने सर्वप्रथम मैनाक को रिश्ते में अपना काका होने के नाते प्रणाम किया और भगवान राम के कार्य को पूर्ण किए बिना आराम न करने के संकल्प के बारे में बताकर आगे बढ़ चले। इधर लंकापति रावण के भय के कारण सभी देवता पाताल में चले गए थे। हनुमान जी को लंका जाता देख उन्होंने उनके बल बुद्धि का परीक्षण करना आवश्यक समझा। उन्हें लगा कि हनुमान जी लंका जाकर रावण का सामना कर भी पाएंगे या नहीं, इसलिए उन्होंने सुरसा को आदेश देकर हनुमान जी की परीक्षा लेने भेजा। सुरसा राक्षसी का रूप बनकर हनुमान जी के सामने आई और बोली, आज तू मेरा आहार बनेगा वानर, मैं तुझे खाऊंगी। इस पर हनुमान जी बोले, देवी एक बार मैं प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण कर आऊं, फिर आप मुझे खा लेना, परंतु अभी मुझे जाने दो। परंतु जब बहुत मनाने पर सुरसा नहीं मानी तो हनुमान जी ने कहा, अच्छा ठीक है, आप मुझे खाइए। हनुमान जी की बात सुनते ही सुरसा ने 16 योजन का मुख बनाया और हनुमान जी की ओर बढ़ी। तभी हनुमान जी ने खुद को उनके मुख का दुगना अर्थात 32 योजन का कर लिया। इस प्रकार सुरसा और हनुमान जी दोनों अपना अपना आकार बढ़ाते गए। जब हनुमान जी ने देखा कि सुरसा का मुख 100 योजन का हो गया है, उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई और बहुत ही सूक्ष्म रूप धारण कर जल्दी से उनके मुख के पेट के अंदर जाकर बाहर आ गए और बोले, माता मैं आपके पेट से निकला हूँ, अब मैं आपका पुत्र हुआ, अब तो आप मुझे नहीं खाएंगी ना। ये सुन सुरसा अत्यधिक प्रसन्न होकर हनुमान जी को अपने आने का कारण बताते हुए उन्हें उनके कार्य में विजयश्री का आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। हनुमान जी उन्हें प्रणाम कर पुनः लंका की ओर अग्रसर हुए। उसके बाद जब लंका हनुमान जी से कुछ योजन दूर रह गई थी तो समुद्र में रहने वाली एक विशालकाय राक्षसी की नजर उन पर पड़ी। वो राक्षसी थी सिंह का, जो इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकती थी। वो ऐसी राक्षसी थी जो जीवों को उनकी छाया के जरिए भी अपने वश में कर लेती थी। सिंहका ने जब देखा कि एक विराट वानर समुद्र के ऊपर से लंका की ओर बढ़ा चला जा रहा है तो वो उसे खाने के लिए दौड़ पड़ी। सिंहका ने सबसे पहले हनुमान जी की छाया पकड़ी तो हनुमान जी की गति अवरुद्ध हो गई। तब हनुमान जी को वानर राज सुग्रीव की बात याद आ गई। उन्हें यकीन हो गया कि सुग्रीव जी ने जिस छायाग्राही अद्भुत जीव की चर्चा की थी वह निसंदेह यही है। तब बुद्धिमान हनुमान जी ने अपने शरीर के आकार को बहुत बढ़ा लिया, किंतु सिंहका ने अपना मुंह पाताल और आकाश के मध्य मार्ग में फैला दिया और हनुमान जी को निगलने की कोशिश की। तब हनुमान जी को संकुचित कर उनके विकराल मुख में घिर गए। उसके बाद हनुमान जी ने अपने तीखे नखों से उस राक्षसी के मर्म स्थानों को विदीर्ण कर डाला। इसके पश्चात वे मन के समान गति से उछलकर वेग पूर्वक बाहर निकल आए। सिंहका मरकर वहीं समुद्र के जल में खो गई। कुछ देर बाद हनुमान समुद्र को पार कर दूसरी तरफ त्रिकूट पर्वत के शिखर पर उतरे। वही लंका थी। त्रिकूट पर्वत पर कदम रखते ही हनुमान जी के ऊपर वहां वृक्षों से झड़े हुए फूलों की वर्षा होने लगी। तब उन्होंने देखा कि राक्षसों ने लंकापुरी की सुरक्षा का विशेष प्रबंध कर रखा था। चारों ओर भयंकर राक्षस घूम रहे थे। लंका के बाहरी फाटक भी सोने के थे और दीवारें लता बेलों से चित्र से सुशोभित थीं। हनुमान ने विश्वकर्मा द्वारा निर्मित उस पुरी को आकाश में तैरता सा देखा। उन्हें यह एहसास भी हो गया था कि लंका की सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य है। यहाँ राक्षस का रूप धारण कर भी राक्षसों से बच पाना भी मुश्किल है। वो मच्छर जितना बनकर प्रवेश करने लगे। तभी वहाँ की अधिष्ठात्री देवी लंकिनी ने उन्हें देखा। हनुमान जी ने उसे हराया और वो रास्ते से हट गई। इस तरह हनुमान जी ने लंकापुरी में प्रवेश किया। रामायण के अन्य भागों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी सुंदरकांड के अगले भाग में।